वीर हम्मीर देव रणथंभौर के चौहान वंश के इतिहास के शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसके बारे में हमें नयनचंद्र सूरी कृत हम्मीर महाकाव्य, जोधराज कृत हम्मीर रासो आदि ग्रंथों से हम्मीर देव के इतिहास की जानकारी मिलती है। 1282 ईस्वी सन में वह अपने पिता जैत्रसिंह के जीवित रहते हुए ही गद्दी पर बैठा दिया गया। कहते हैं हम्मीर देव चौहान ने एक बार जो ठान लिया फिर वो अपनी भी नहीं सुनते थे, इस कारण इन्हें हठीला हम्मीर भी कहा जाता है। हम्मीर महत्वाकांक्षी शासक था और उसके गद्दी पर बैठने के समय दिल्ली सल्तनत में अराजकता फैली हुई थी। दिल्ली के अराजकता के माहौल में हम्मीर ने दिल्ली के शासकों की ओर से निश्चिंत होकर अपनी विजय यात्रा प्रारंभ की। उसने 1291 ईस्वी से पूर्व तक दिग्विजय करके अपनी सीमा व शक्ति में अभिवृद्धि कर ली। उसने कई राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का अंग बनाया और कई राज्यों से केवल कर ही लिया। हम्मीर ने भीमर्स के शासक अर्जुन, धार के परमार शासक और मेवाड़ के शासक समरसिंह को हराकर राजस्थान में अपना दबदबा स्थापित कर दिया। मेवाड़ के बाद अब आबू, वर्धनपुर, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, त्रिभुवनगिरी होता हुआ रणथंभौर लौटा। इन विजयों से राजस्थान में रणथंभौर के चौहानों की राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ी। हम्मीर देव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष। हम्मीर के इस बढ़ते कद के कारण खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर की ओर आकर्षित हुआ। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन ने झाइन के दुर्ग पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया और दुर्ग की शिल्पकला और मंदिरों को क्षति पहुंचाई। जीत के बाद जलालुद्दीन रणथंभौर की ओर बढ़ा। हम्मीर ने दुर्ग में रसद आदि का प्रबंध कर सुरक्षात्मक रणनीति द्वारा सुल्तान का प्रतिरोध किया। जलालुद्दीन को इस आक्रमण के काफी दिनों के प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिली तो उसे युद्ध बंद कर वापस दिल्ली लौटना पड़ा। सुल्तान के लौटते ही हम्मीर ने झाइन के दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन ने फिर रणथंभौर को जीतने का प्रयास किया किंतु इस बार भी वह सफल नहीं हो सका। 1296 ईस्वी में अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था और संपूर्ण भारत को जीतने की लालसा रखता था। दिल्ली के निकट सामरिक महत्व के रणथंभौर के अभेद्य दुर्ग को जीतने के लिए अलाउद्दीन लालायित था। हम्मीर ने सुल्तान के कुछ शत्रुओं को अपने यहाँ शरण दे रखी थी, इससे अलाउद्दीन बहुत क्रोधित हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण। सुल्तान के आदेश पर उलुग खान और नुसरत खान सेना लेकर रणथंभौर की ओर बढ़े। दोनों की संयुक्त सेना ने झाइन की ओर से रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। सेना ने आसानी से झाइन पर अधिकार कर लिया और जी भर नगर को लूटा। हम्मीर के आदेश पर राजपूती सेना झाइन की ओर बढ़ी तथा तुर्की सेना को वहां से खदेड़ दिया। तुर्की सेना ने जवाबी हमला किया और रणथंभौर पर घेरा डाल दिया। रणथंभौर दुर्ग की प्राचीर से राजपूती सेना के प्रहारों से नुसरत खान बुरी तरह घायल हो गया और मारा गया। राजपूती सेना ने दुर्ग से निकलकर तुर्की सेना पर जोरदार हमला किया तो उलुग खान को अपने प्राण बचाने के लिए भागना पड़ा व उसकी सेना बिखर गई। अब अलाउद्दीन खुद एक विशाल सेना लेकर रणथंभौर आया। लगभग एक वर्ष तक सुल्तान रणथंभौर दुर्ग पर डेरा डाले रहा पर उसे सफलता नहीं मिली। सैन्य क्षेत्र में सफलता न मिलने पर अलाउद्दीन ने छल कपट से दुर्ग को जीतने के प्रयास शुरू कर दिए। सुल्तान ने संधि वार्ता के बहाने हम्मीर के सेनापतियों को बुलाया और उन्हें प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला दिया। उधर किले में अब राशन सामग्री समाप्त हो रही थी और जो बची थी उसमें अलाउद्दीन ने हड्डियों का चूरा मिलाकर अपवित्र कर दिया था तथा जल स्रोतों को भी अपवित्र कर दिया था। ऐसी स्थिति में भूखे प्यासे राजपूत सैनिक केसरिया वस्त्र पहनकर दुर्ग से बाहर आ गए और शत्रु से भीड़ गए। दिल्ली की विशाल सेना के सामने राजपूती सेना टिक न सकी। हम्मीर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़े अंतिम युद्ध के बारे में दो तरह की कहानियां प्रचलित हैं। एक मत के अनुसार इस युद्ध में हम्मीर देव चौहान की पराजय हुई और वे वीरगति को प्राप्त हुए।
इस युद्ध के समापन के विषय में दूसरी कथा के अनुसार युद्ध के अंतिम चरण में जब राजपूत योद्धा केसरिया कर तलवारें लेकर दुर्ग से बाहर निकले तो उनकी लहराती तलवारों से खिलजी के सैनिक भाग खड़े हुए। खिलजी की भागती सेना अपने ध्वज युद्ध भूमि में ही छोड़ गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब पूरी खिलजी की सेना युद्ध भूमि से भाग गई तो राजपूत सैनिक अपनी भगवा पताकाओं के साथ खिलजी के काले ध्वज भी लेकर दुर्ग में पहुंच रहे थे। उन काले झंडों को देखकर महल की रानियों को लगा कि उनकी हार हो गई तथा काले झंडों के साथ खिलजी दुर्ग की ओर बढ़ रहा है। यह संदेश पाकर सभी स्त्रियां जौहर कर लेती हैं। किले में प्रवेश पर हम्मीर देव चौहान को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप होने लगा। अपनी आंखों से जलती देख किले की महिलाओं को उनका दिल ग्लानी से भर गया। उन्होंने इस दुर्घटना का जिम्मेदार स्वयं को माना और प्रायश्चित करने के उद्देश्य से अपना सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया था। बताया जाता है कि जब इस घटना का पता अलाउद्दीन खिलजी को चलता है तो वह शत्रु विहीन हो चुके रणथंभौर के दुर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हम्मीर देव चौहान के इतिहास का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हम्मीर देव चौहान के इतिहास के बारे में दी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।